हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ ना एक प्री एंड प्रोबायोटिक जो होममेड ड्रिंक है उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो प्रीबायोटिक बेसिकली होते हैं एक तरह के डाइटरी फाइबर्स जो कि हमारे गट में जो है ना वो उस गट की सफाई करते हैं और उसमें फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। तो इसके लिए और प्रोबायोटिक होते हैं जिसमें कि आपके लाइव बैक्टीरिया जो हम फर्मेंटेड फूड से पाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए हल्दी लिए, थोड़ी सी अदरक, अदरक मैं बहुत अच्छे से धो के रखती हूँ बेकिंग सोडा और विनेगर के साथ सो करके रखती हूँ, फिर इसको ड्राई करके तभी फ्रिज में रखती हूँ। और यहाँ पे बीट रूट लिए और मैंने गाजर लिए, ये सरसों ले लीजिएगा 4 टेबल स्पून मैंने लिए और इसको मैंने पीस लिया है। अब आप एक ग्लास जार लीजिएगा, उसके अंदर आपको किसी और बर्तन में नहीं आप डाल सकते इसको, इनको सबको रख दीजिएगा। और ये जो प्रोबायोटिक का काम तो इतना बढ़िया करती है कि आपके डाइजेशन में बहुत ही बढ़िया ये रहेगा ये ड्रिंक। ये मैं कोई नई चीज़ नहीं बना ली, हर रीजन के लोग ना कोई फॉर्म में प्रोबायोटिक या चीज़ें जो फर्मेंटेड चीज़ें, मैं प्रोबायोटिक बोल फर्मेंटेड चीज़ें खाते हैं जो कि हमारे गट में लाइव बैक्टीरियाज को इन्हेंस करती है जिससे कि हमारी डाइजेशन जो है बेटर होती है। इसमें आपको मसाले में साथ साथ मैंने सब मेंशन कर दिया है। 2 लीटर पानी में आपको सरसों डाल देनी, काला नमक डाला है, जीरा डाला है, काली मिर्ची डाली। काली मिर्ची इसलिए डाली, हल्दी और काली मिर्ची एक दूसरे के साथ ही है कि हल्दी के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें काली मिर्च बहुत ज़रूरी है, कुरकुमिन को पाइपरिन ही एब्जॉर्ब करता है। तो लास्ट में इसमें हिमालयन सॉल्ट डाला है, 2-3 दिन के लिए रख दीजिएगा इसको छोड़ के और ये फर्मेंट हो जाएगा और आप इसको एंजॉय कीजिए। ये नेचुरल प्री और प्रोबायोटिक है।